Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, this is Umar Ashraf and you're watching Ahmed Family TV Apna. यानी कि आपका अपना चैनल जिसके ऊपर अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं. ये है एक पानी की बोतल. इस बोतल में हम डालेंगे पानी और पानी. अब आप पूछेंगे कि इस बोतल में और पानी क्यों डाला जा रहा है जबकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी मौजूद है. हम पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पानी ठंडा है और मैं इतना ठंडा पानी नहीं पी सकता. सो आई नीड टू हैव सम ग्लास. कप ही ले लेंगे, ग्लास कौन वॉश करें. तो इसको हम पानी डाल देंगे इसके अंदर और हम लोग पानी पी लेंगे. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी हम वीडियो बनाने लगे हैं कलेजी पोटे की. वी विल मेक सम कलेजी पोटास टुडे एंड वी विल शो यू हाउ टू मेक देम एंड हाउ टू मेक इट. अब हम बनाएंगे कलेजी पोटा. इसको फ्रिज में रख देंगे. कलेजी पोटा बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास क्या है वो चीज़ मैटर करती है. ये है जनाब कलेजियाँ. दिस इज कलेजी एंड वी विल हैव सम माइक्रोवेव दो ओवन ला देवे ताकि थोड़ा नरम हो जाए. हमें चाहिए होगा एक अदद पतीली. पतीली हमें चाहिए होगी. पतीली ले लेंगे. ये हमने ले ली पतीली. ये इसका ढकना और इसके अंदर हम लोग अब ये पकाएंगे. इसको पानी ग्लास में मारेंगे ताकि ये साफ हो जाए. ठीक है. सो व्हाट वी गोना डू इज एक प्याज काट लेंगे. के भी तो मुझ में कहीं बाकी है पलकों पे बन के आंसू तू चली आती है. जुदा हो के भी जुदा हो के भी उम्र में कहीं बाकी है पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. जुदा हो के भी दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने में. दूर जितना भी मैं तुमसे पास तेरे में अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने में. हाँ तो जी दोस्तों अभी हम कलेजी पोटा बनाने के मराहिल से गुजरेंगे और हमने क्या करना है कि ये बर्तन ले लेना है. ये किथे रह गया किथे रह गया. इसके अंदर पकाएंगे. सांस भी चढ़ जाता है ना नाता हम कार में. ये तेल ले लेंगे. इसके अंदर हम लोग तेल डाल देंगे और उसके बाद हम लोग प्याज को भूनेंगे. तो जी नाजरी अभी हमने तेल डाल दिया और उसके अंदर हम डाल देंगे प्याज. देखते हैं कि क्या हमारा कलेजी पोटा जो है वो रेडी हो गया है ओवन में गर्म हो गया है कि नहीं हुआ. तब तक प्याज फ्राई होगा रहे. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जी.
जितना भी मैं तुमसे फासले में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। अच्छा आजकल एक गाना में बड़ा ही फेमस हो गया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं। प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन करना ताकि वो गड़बड़ न करे। जी अभी हमने धो लिया है गेहूं, ये वॉश हो गया। अब हम इसको जी प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है और उसके बाद ये हम इसमें ऐड करेंगे। जी बिल्कुल तो जी दोस्तों अभी हम लोग कलेजी जो है वो हमने कलेजी हमें वॉश करनी है। अब हम कलेजी जो है वो कलेजी का जो प्रोसेस है वो अगला हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। प्याज हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेने हैं, टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, मसाले ऐड कर देंगे, सारा मसाला ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी भी ऐड कर। अच्छा जी तो अब मैं आपको गाना सुनाऊंगा, गाना बड़े क्लासिक है, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनकर।
जादू है रे जादू, तेरी बातों में बैठी बैठी मीठी मीठी रातों में दिल बेकरार हो गया, दिल मेरी है दिल बेकरार हो गया। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, है रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए है मैनू की हो गया। वो देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, है रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए। ये हो गया, अब इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपसे मैं मुलाकात करूँगा, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। हिम्मत कभी ना हारे ज़िंदगी में, कोशिश करना कभी ना छोड़े, अल्लाह की मदद आप तक ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।